टफ लॉकडाउन के चलते मजबूर मजदूरों की परेशानी बढ़ रही है। कोरोना वायरस फाइटर के रूप में काम करने वालों का नागरिकों द्वारा जगह जगह सम्मान किया जा रहा है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के बेलगांव ग्राम पंचायत के सरपंच ने मनमानी करते हुए स्वच्छता कर्मी महिलाओं को काम से निकाल दिया है, जिससे परिवार के सामने रोजी रोटी की समस्या बढ़ गई है। बेलगांव सरपंच ने स्वच्छता कर्मी महिलाओं को काम से निकाले जाने की मामला सामने आने से पीड़ित कर्मचारियों ने सरपंच पर दादागिरी का आरोप लगाया है। स्वच्छता कर्मियों ने सरपंच पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रशासन से इसकी शिकायत भी लगाई है। विकास खंड के ग्राम पंचायत बेलगांव के सरपंच पर स्वच्छता कर्मियों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कार्य से निकाल देने की बात कही है। पीड़ित महिलाओं ने जनपद सीईओ को दिए गए शिकायती पत्र में कहा है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो विगत 4 वर्षों से ग्राम पंचायत बेलगांव में पंचायत की सफाई व्यवस्था के तहत नाली सफाई, कूड़ा सफाई आदि कार्य कर रही हैं। पंचायत चुनाव में निर्वाचित होते ही सरपंच छबील साहू द्वारा अकारण परेशान करना प्रारंभ कर दिया गया था। 13 अप्रैल को सरपंच द्वारा जातिगत भेदभाव करते हुए हमें काम से बेदखल कर दिया गया। डोंगरगढ़ से संवाददाता सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। गांव काम करते रहे पंचायत में, तो सरपंच निकाल दे, सूचना मिले का कारण है? वैसे सरपंच हमला काम में कारवाई से 8-15 दिन महीना दिन हम काम करें सर। लॉकडाउन चालू रही से फिर भी काम करें और काम वाम करके तहन एक दिन का हो से अपने छमर पर झूठा आरोप लगाए गए हैं। रोजगार सहायक कर फोन लगाई से हूँ तो मल्ला काम में रख ले, अभी मोर गाड़ी है ईटा में और रेती में गाड़ी चला थी बोली से, तो चला थे बोली से तो जब तक 2 हफ्ता रोजगार गारंटी कमा ले बोली, तो हम चले गए सर रोजगार गारंटी कमाए बार, तो बोलते अब हम मन हाँ काम ना छोड़ा दिस मतलब, तो एक दिन हमार पता पड़ी दूसरा आदमी ती आली दो झन ला, तो पता पड़ी तो घर में गए हम मनो का तो कैसे कका ते का बार काम ला मतलब दूसरा रखे हाँ ऐसे करके, तब वो हर बोलते नहीं बोलते मैं तो सरपंच बोलते मैं कुछ भी कर सकता हूँ बोलते, लॉकडाउन चला थे और काम बंद हो गए परेशानी होते हाँ हमला बहुत परेशानी होते, खाए पिए पर घलो परेशानी होते, और ये काम तो हम 16 से करत हैं, 4-5 साल हो गए हमला काम करत, 5 साल से काम हाँ 5 साल हो गए सर हमला काम करता हूँ। हम स्वच्छता अभियान में भी जुड़े हैं, स्वच्छता में मतलब हमला साड़ी वाड़ी भी मिले हैं, तो स्वच्छता अभियान के तहत से हम काम करते रहे पंचायत का। महिला कमांडो भी काम करते हाँ, महिला कमांडो पहले रहे लेकिन अभी तो महिला कमांडो फिलहाल नहीं है, लेकिन स्वच्छता अभियान हम चलात हन और जुड़े हुए हैं हम ना, और स्वच्छता अभियान के तहत में हम ना काम करते रहे हैं, तो वही है का कर लेवे कैसे कर लेवे मैं सरपंच हूँ तो मैं कुछ भी कर सकूँ बोलते हो, भाई भी का बोलते तुम मतलब चैन नहीं आए का बोलते तो हमला का चीज़ के चैन नहीं आए तो बताइए सर सरपंच के भाई है ठीक है सर। क्या समझते हैं वो चारों महिला रोजगार गारंटी में जा रहे हैं काम कर रहे हैं? कितने साल से काम कर रहे थे? लगभग मेरे को मालूम नहीं, पुराना पंचायत में काम कर रहे थे 2.5-3 साल जो अंदाज बता रहा हूँ है ना, और वो रोजगार गारंटी में जाने के बाद मेरे पास सेकंड हाफ में हुआ है कि भी हम लोगों के यहाँ सफाई कर्मचारी में सफाई में काम लगा दो, तो मैं बोला भाई दो एक साथ दो मजदूर नहीं भर सकता, डबल काम नहीं लगा सकता बोले, तो दूसरे दिन फिर वो उसी मोहल्ला के नीच समाज के साहब पुरानी बुलाया था, उसको दबाव देने लगे कि हम लोग करते हैं तुम लोग क्यों कर रहे हो, उसके बाद फिर उसके साथ फिर डंडा लेके चला गया, उसके बाद हम लोग काम करेंगे तुम लोग मत करो करके, बस यही बात है कोई बात नहीं। तो उनको बैठा दिए क्या? बैठा लें क्या, वो पंचायत स्तर में देखते हैं पंचायत में व्यवस्था करेंगे, वो चाहे पंचायत स्तर में प्रस्ताव लेकर के किसी कोई भी कर्मचारी हो चाहे वही लोग करें चाहे दूसरा लोग करें, आवेदन ले रहे हैं, आवेदन लेके बाद काम करवाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.